दोस्तों, थंबनेल में जो देखा है वो सही में आपके साथ हो सकता है अगर आपने भी ऐसा गलती अपने आईडी पर करके रखे हैं। ये पहली बार नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों के आईडी ऑलरेडी बैंड हो चुके हैं, उनके आईडी ऑलरेडी डिसेबल हो चुके हैं और वो डिसेबल आईडी वो दोबारा उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो अपने फेसबुक आईडी से अपने फ्री फायर को लॉगिन करके रखे हैं, मतलब फ्री फायर आईडी अपने फेसबुक आईडी के माध्यम से लॉगिन किया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी है जिनके फेसबुक अकाउंट उनके लिए बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके एक छोटे से गलती के कारण आपका आईडी परमानेंटली डिसेबल हो जाए और उसे आप रिकवर ना कर पाए। क्योंकि इस गलती के कारण अगर आपके आईडी डिसेबल हो जाता है तो उसे रिकवर करना नामुमकिन है। ऐसे कमेंट्स मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं, वो लोग अपने फ्री फायर अकाउंट में बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं लेकिन उसके बाद उनके आईडी जो है वो डिसेबल हो चुका है और डिसेबल होने के बाद उसे रिकवर करना इम्पॉसिबल है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो हमारे चैनल पर आता ही रहता है। तो हमारे चैनल के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इस प्रॉब्लम के बारे में पता चले और आने वाले खतरे से बचने के लिए अपने आईडी को वो अपने तरह से एडिट कर ले। दोस्तों, ये अपडेट खास करके फेसबुक के तरफ से है, यानी कि जो लोग फेसबुक अकाउंट से अपने फ्री फायर अकाउंट बनाए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वो क्या गलती करके रखे हैं जिनके कारण आपके फेसबुक आईडी डिसेबल हो सकता है, और फेसबुक आईडी अगर डिसेबल हो जाता है तो आपके फ्री फायर अकाउंट भी डिसेबल हो जाएगा। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तरह के कुछ आईडी है जो अपने आईडी का जो प्रोफाइल नेम है वो कुछ अलग टाइप के रखे हैं, यानी कि ये प्रोफाइल नेम उनके रियल नेम से मैच नहीं करते हैं। तो इस तरह के जो प्रोफाइल्स होते हैं वो प्रोफाइल बैंड होने की 99% चांस है, क्योंकि इन प्रोफाइल में ना तो उनके नाम है, ना तो उनके कोई प्रोफाइल पिक्चर है, ना तो उनके डेट ऑफ बर्थ है। तो फेसबुक टीम के तरफ से बहुत पहले ही एक अपडेट सबको मिल चुका था कि हम बहुत ही जल्द एक सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं जिसके तहत हम सारे फेसबुक अकाउंट को फिर से चेकअप करेंगे और सारे फेसबुक अकाउंट को रिकन्फर्म करेंगे ताकि जितने भी फेक अकाउंट है वो परमानेंटली डिसेबल कर सके। अगर आपके अकाउंट इसी तरह से गलत नेम से है या आपके कोई भी डिटेल्स यहाँ पे गलत है तो पहले जाइए अपने फेसबुक अकाउंट पर, वहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन में जाके आप अपना डिटेल्स को अपडेट कर लीजिए। अगर आपके प्रोफाइल नेम इसी तरह के गलत नाम से बनाया गया है तो उसे आप चेंज कर लीजिए। अगर आपके अकाउंट पर कोई भी मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस ऐड नहीं है तो पहले ऐड कर लीजिए। अगर आपके अकाउंट पर आपका डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है तो उसे भी आप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाले हैं आगे चल के। आप देख सकते हैं यहाँ पे अचानक लोगों के फेसबुक अकाउंट पर इस तरह के एक पॉपअप आ रहे हैं और यहाँ पे लिखा रहता है कि कन्फर्म योर आइडेंटिटी। जब वो कन्फर्म के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे उन्हें आईडी प्रूफ मांगा जाता है, यानी कि ये आईडी प्रूफ वही है जो आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है, यानी कि वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसी तरह की कुछ प्रूफ आपको सबमिट करना होता है। तो जब आप उसे सबमिट करते हैं तो फेसबुक टीम उसे वेरीफाई करते हैं और आपके प्रोफाइल नेम से उसे मैच करते हैं। अगर आपके प्रोफाइल नेम से वो आईडी मैच हो जाता है तो आपके जो अकाउंट है वो अनलॉक हो जाएगा, अगर नहीं करता है तो आपके अकाउंट परमानेंटली डिसेबल कर दिया जाएगा। तो ये अपडेट को मैंने पहले भी अपने चैनल पर डाला था पर शायद लोगों ने इसे अनसुना कर दिया या सीरियसली नहीं लिया है। तो अभी बहुत सारे लोगों के फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं, साथ ही साथ उनके फ्री फायर अकाउंट भी बैंड हो चुका है, क्योंकि जब आपके फेसबुक अकाउंट ही बैंड हो जाएगा तो आपका फ्री फायर अकाउंट भी बैंड हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने फ्री फायर अकाउंट में बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं और उस आईडी को एक प्रोफेशनली बना लिए हैं तो उसे बचाने के लिए आपको सबसे पहले ये गलती सुधारना होगा। अगर आप ये गलती नहीं सुधारेंगे तो कोई भी आपके अकाउंट डिसेबल होने के बाद रिकवर नहीं करवा सकता है, क्योंकि फेसबुक का ये सिस्टम आपको वो प्रोसेस फॉलो करवाता है जो एक
ऑफिशियल सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे आपको अपना आईडी प्रूफ सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद उसे फेसबुक वेरीफाई करता है, और वेरीफाई करने के बाद अगर आपके अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है तो उसे फिर से अनलॉक कर दिया जाता है। अगर आप कोई भी आईडी प्रूफ सबमिट नहीं कर पाते हैं या कोई गलत आईडी प्रूफ आप सबमिट कर देते हैं तो वहाँ पे आपके आईडी बैन किया जाता है। तो दोस्तों, इस खतरे से बचने के लिए आपको जैसे मैंने बताया, आप जाइए अपने प्रोफाइल पर और वहाँ पे जाके आप सारा डिटेल्स अपडेट कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर देना लाइक और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले इस प्रॉब्लम के बारे में और वो अपने गलती पहले सुधार ले ताकि आने वाले खतरे से बच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।